हेलो गाइस, मैं विकास आपको अपने चैनल आईटी फैक्ट्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है MySQL में। उसके लिए पहले हम लोग को अपने सॉफ्टवेयर कमांड लाइन क्लाइंट में जाना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे आज के लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग अभी अपने स्क्रीन में आ चुके हैं। अभी हम लोग अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो हम लोग अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग के पास कितने सारे डेटाबेस है और डेटाबेस को यूज़ करके हम लोग को उसके अंदर टेबल बनाया हुआ जो है, पहले से हम बना चुके हैं, उसको लेके आज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का एग्जीक्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्रीगेटेड फंक्शन काम करता है। तो उसके लिए हम लोग सो डेटाबेस करके देख लेते हैं डेटाबेसेस, फिर हम लोग प्रैक्टिस डेटाबेस को यूज़ करके उसके अंदर जो टेबल बना हुआ है हम लोग उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन का काम करेंगे। तो ये सारा जो डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस यूज़, शो टेबल कैसे करते हैं, क्या होता है, क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, ये सारा सीखना है तो आई बटन में लिंक है, जाइए और प्रीवियस वीडियो मेरे MySQL सीरीज़ का देखिए और समझिए। तो हम लोग अभी अपने ओरिजिनल टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन कितने सारे हैं और क्या क्या हैं। तो ये हम लोग का जो गेम्स है, ये अपना ओरिजिनल टेबल है, इसको लेके आज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या है? एग्रीगेट फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसे यूज़ करके आप कोई भी डिफरेंट ऑपरेशन को एक टेबल में कर सकते हो। तो जैसे कि इस टेबल में से कोई कॉलम का समीशन करना हो, या फिर कोई कॉलम में से कोई रो वैल्यू को काउंट करना हो, या फिर कोई कॉलम का एवरेज वैल्यू निकालना हो, या फिर किसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन कितने सारे हैं। तो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन पांच तरह के होते हैं, जो होता है कि मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज एंड काउंट। तो ये पांच जो है बेसिकली हम लोग का पांच एग्रीगेट फंक्शन है जो हम लोग का काम आएगा। तो हम लोग आज अपना पहला एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना सीखते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्स जो है इसका कीवर्ड है और आप बगल में सिंटैक्स देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग मैक्स वर्ड को यूज़ करके कैसे हम लोग किसी कॉलम को, कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सिंटैक्स देख लेना पड़ेगा जो बगल में दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उसका सिंटैक्स कुछ बेसिकली ऐसा ही है, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम, जो कॉलम का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो वाला कॉलम नेम। फिर फ्रॉम टेबल नेम, सिंपली फ्रॉम टेबल नेम। तो सिलेक्ट मैक्स प्राइज मनी हम लोग लिखे हैं और फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे गेम्स है, तो गेम्स, तो देखिए सेमी कॉलोन देना ज़रूरी है। तो 25,000 जो प्राइज मनी का मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप देख सक रहे हैं मैक्स प्राइज मनी डिस्प्ले कर रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्राइज मनी, जो आपका प्राइज मनी वाला कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू 25,000 है वो डिस्प्ले कर रहा है। अभी हम लोग जी कोड कॉलम के लिए देख लेते हैं। तो सिंपली प्रीवियस कमांड को यूज़ करने के लिए एरो दबाइए कीबोर्ड में, वो प्रीवियस कमांड आ जाएगा और सिंपली जी कोड डाल दीजिए प्राइज मनी के जगह, फिर एंटर दबाइए। देखिए आपका 108 मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है जी कोड का और हम लोग टेबल से भी देख पा रहे हैं कि 108 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। तो अभी हम लोग मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, उससे पहले हम लोग अपने ओरिजिनल टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं यूजिंग सिलेक्ट स्टार कमांड। तो सिलेक्ट स्टार कमांड सीखना है तो आई बटन में लिंक है, जाइए प्रीवियस वीडियो मेरे सीरीज़ का देखिए, समझ में आएगा। तो इसका कमांड भी बगल में है, देखिए एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम का यूज़ करते हैं, MIN जो है एग्रीगेट फंक्शन है, उसके लिए सिंपली सिलेक्ट MIN
कॉलम नेम जिसका भी मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मीन प्राइज मनी फ्रॉम गेम्स मतलब टेबल नेम। तो देखिए मीन प्राइज मनी, मैंने प्राइज मनी का मिनिमम वैल्यू जो है 2000 वो डिस्प्ले कर रहा है। अभी फिर हम लोग देख लेते हैं और एक कॉलम के लिए, अभी लिखते हैं जी कोड। देखिए मिनिमम जी कोड फ्रॉम गेम्स डिस्प्ले किए, देखिए आपका दिखा रहा है 101 जो है मिनिमम वैल्यू। अभी हम लोग देखते हैं और एक बार यूज़ करके मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन जी कोड के जगह हम लोग डाल लेते हैं शेड्यूल डेट। तो शेड्यूल डेट मिनिमम डेट जो है वही शो करेगा। तो देखिए 2003/12/12 मतलब जो मिनिमम वैल्यू था, क्योंकि सारा 2004 में था लेकिन एक 2003 का था, तो जो मिनिमम वैल्यू है वही डिस्प्ले कर रहा है। तो मीन एग्रीगेट फंक्शन का काम है मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करने का। अभी हम लोग नंबर कॉलम के लिए देख लेते हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू जो नंबर कॉलम का है 2 है, और वहाँ पे बेसिकली दो ही नंबर था 2 या 4, तो 2 शो कर रहा है। तो अभी हम लोग अपने ओरिजिनल टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि हम लोग सम एग्रीगेट फंक्शन को डिस्प्ले करने के समय कंपेयर कर सकें। तो अभी हम लोग अपने एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज़ करेंगे। तो बगल में सिंटैक्स है, उसको देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, सिलेक्ट सम कॉलम नेम, जो कॉलम का आपको समीशन करना है। तो लिखते हैं सिलेक्ट सम प्राइज मनी, हम लोगों को प्राइज मनी कॉलम का जितना भी डेटा है उसको ऐड करना है। तो लिखते हैं सम प्राइज मनी फिर फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पर टेबल नेम गेम्स है तो गेम्स सेमी कॉलन। देखिए सम प्राइज मनी 49,000, तो टोटल करेंगे तो हम लोग सारा 2000, 5000, 9000, 25000 एंड 8000, हम लोग का टोटल 49,000 हो जाएगा। अभी नंबर के लिए देख लेते हैं 14, तो 2226+8 14, तो करेक्ट है। तो ऐसे आप सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले करने के समय। तो अभी हम लोग अपने ओरिजिनल टेबल को फिर से डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का जो चौथा एग्रीगेट फंक्शन है वो है एवरेज। एवरेज काम करता है आपका किसी कॉलम नेम और कॉलम का एवरेज वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। अभी हम लोग उसका सिंटैक्स बगल में देख पा रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स के हिसाब से आपका जो लाइन और स्टेटमेंट होगा, सिलेक्ट ए वी जी स्टैंड्स फॉर एवरेज, तो सिलेक्ट एवरेज फिर ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा जिसका आपको एवरेज निकालना है। हम लोग यहाँ नंबर दे देते हैं, तो फ्रॉम टेबल नेम, तो एवरेज यहाँ पे हम लोग का कुछ 14 मतलब 2.8, देखिए 14 / 5 तो 2.8 के आसपास ही होता है। तो देखिए एवरेज 2.8 आ गया। तो अभी हम लोग एवरेज नंबर के जगह पे प्राइज मनी डाल के देखते हैं, हम लोग का टोटल 49,000 हुआ था डिवाइडेड बाय 5 जो होता है 9,800, तो डिस्प्ले कर रहा है। तो एवरेज फंक्शन एग्रीगेटेड फंक्शन का यूज़ ये है, और आप इससे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ भी करना है। अभी हम लोग अपना ओरिजिनल टेबल डिस्प्ले कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार फंक्शन यूज़ करके, सिलेक्ट स्टार कमांड यूज़ करके। तो आपको भी अगर सीखना है तो आई बटन में लिंक है मेरे चैनल के सीरीज़ माई एसक्यूएल सीरीज़ का, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना है, और उसे यूज़ करके हम लोग किसी कॉलम के वैल्यू को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स है सिलेक्ट काउंट फिर ब्रैकेट में कॉलम नेम, जो कॉलम में आपको काउंट करना है, जो कॉलम के वैल्यू का आपको काउंट करना है, फ्रॉम टेबल नेम। ये तो विथआउट कंडीशन है, अगर आप विथ कंडीशन भी हम लोग दिखाएंगे। तो अभी देखिए विथआउट कंडीशन काउंट नंबर किए तो 5 वैल्यू शो कर रहा है। अभी हम लोग विथआउट कंडीशन के लिए देखेंगे कैसे हो रहा है। तो उसके लिए वेयर कंडीशन का यूज़ करते हैं, वेयर
प्राइज मनी कॉलम का यूज़ करते हैं हम लोग, वेयर प्राइज मनी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, तो 5000 से ऊपर चार वैल्यू है तो 400 होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 करते हैं, 5000, 9000, 8000 एंड 25000 चार वैल्यू है, तो काउंट भी 4 ही आना चाहिए। तो एंटर करते हैं, देखिए बिल्कुल काउंट नंबर 4 आ रहा है, तो चार नंबर वैल्यू। तो अभी हम लोग अपना ओरिजिनल टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार फंक्शन, सिलेक्ट स्टार कमांड यूज़ करके, फंक्शन नहीं कमांड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी ओरिजिनल टेबल डिस्प्ले किए हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है, जो कमांड यूज़ होता है डिस्प्ले के लिए होता है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।